तुम यहां क्या कर रहे हो? Get lost. I said get lost. बाद में मिलते। बोल बोल, क्यों मरवाया था हमदान को? रुखसार से क्यों मरवाया था? बोल हा? बोल। तुम्हारे झूठ के पीछे छुपा हुआ सच क्या है? बताओ हमें, बताओ फरहान, हमदान के कत्ल के पीछे क्या साजिश है? बोल हमें, बात कर। दरवाजा खोलो। अरेस्ट हिम, इसने मुझ पे अटैक किया। आई सेड अरेस्ट हिम। गिरफ्तार कीजिए इसे। ऑफिसर, इस ऑफिस के सभी डॉक्यूमेंट सीज करो। ओके सर। और आप दोनों हमारे साथ चलो। जरूर। यार जारा, तूने उन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? रीमा देख, उन्हें सहारे की जरूरत है और हमें दिल से निकली हुई दुआओं की। और वैसे भी हम यहाँ बैठ के रुखसार के लिए और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जारा तू नहीं, मैं नहीं जाने वाली। सुबह बस दो मिनट हमारी बात सुन लो, फिर चली जाना। अब बचा ही क्या है आपके पास कहने के लिए? अपनी इनसे कह दीजिए कि हमें ना रोने के लिए किसी के कांधे की जरूरत है और ना मरहम। तो अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। और वैसे भी हम कल दुबई जा रहे हैं, अपने भाई के कातिल को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखो। तुम चलोगी दुबई? जो गया वो तुम्हारा भाई था, जो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो उसके कत्ल में जाने वाली है वो तुम्हारी अपनी भाभी है। और कातिल भी। वो कत्ल था या एक हादसा वो मालूम नहीं है अभी। वो एक कातिल है, समझी आप? जिस औरत ने हमारे भाई का कत्ल किया है, उस औरत के घर वालों से और उससे जुड़े हर इंसान से ना हमें कोई रिश्ता रखना है और ना उनकी शक्लें देखनी है। अगर रुखसार ने बेवजह तुम्हारे भाई का कत्ल किया और वो एक मुजरिम है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर ये हादसा साबित हुआ और कसूर तुम्हारे भाई का निकला, तो रुखसार को बचाने में क्या तुम हमारे साथ खड़ी होगी? ब्लड प्रेशर काफी हाई है और शॉक लगने की वजह से इनका फीवर भी काफी हाई है। फिलहाल मैं कुछ मेडिसिंस लिख देता हूं, अगर इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो कल हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। क्या? ये कुछ मेडिसिंस हैं, मंगवा दीजिएगा। जी शुक्रिया। जनाब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमदान मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं था। बस बहुत हो गया, इनके फोन में तुम्हारी ऑडियो क्लिप है। तुम अगर एक झूठ और बोला तो 5 झापड़ मारूंगा। तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाल ली है हमने। हमदान की मौत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो सिर्फ रुखसार की मौत चाहते हैं क्योंकि उसके बाद पूरे बिजनेस के मालिक खाम हो जाते। ले जाओ इसे। हम अपने तजुर्बे से कह सकते हैं कि फरहान सच बोल रहा है। जी देखिए, अब जो फरहान की सच्चाई आपके सामने आ गई है, हम सोच रहे आप हमारी एक और छोटी सी मदद कर सकते हैं। ये केस दोबारा कोर्ट में खुलवा दे सर। किस हैसियत से? देखिए सर, अगर हम कोर्ट में ये अर्जी लगा दे कि हमदान की मौत एक साजिश थी और रुखसार तो एक मोहरा बन गया था, तो उसकी सजाए मौत रुक सकती है सर। और देखिए, एक बार कोर्ट ने ये अर्जी मान ली और केस दोबारा खुलवा दिया, हम आपसे वादा करते हैं सर कि दुबई के सबसे बेहतरीन लॉयर को हम लेकर आएंगे और उससे केस लड़वाएंगे सर। जितना भी पैसा होगा, जितना भी खर्चा होगा, हम देंगे सर, क्योंकि हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी है जो रुखसार को ये सबसे बचा सके।
इसलिए हम आपसे दरखास्त करते कि आज के आज सर ये अर्जी पेश करनी होगी कोर्ट में सर। आप चाहे तो हम अभी हमारे साथ आप चल सकते एडवोकेट के पास और हम उधर ही सारी बातें कर लेंगे सर। सवाल एडवोकेट का नहीं है कबीर साहब, सवाल ये है कि आप किस हैसियत से उस सजायाफ्ता मुजरिम की ओर से कोर्ट में अर्जी पेश करेंगे। क्या लगते हो तुम रुखसार के? कुछ भी तो नहीं, ना सगे भाई हो, ना उनके बाप हैं, ना उनके महरम हैं। आप हो तो सिर्फ रुखसार के नाम महरम। शेख साहब के रसूख से आप रुखसार से जेल में मिल तो सकते हैं, लेकिन केस लड़ना तो दूर, आप उनके लिए एक कोर्ट में अर्जी तक नहीं लगा सकते। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम जरूर लड़ेंगे। हमारे यहाँ किसी के हक में केस लड़ने के लिए उसका सगा रिश्तेदार होना जरूरी है। सर आप शायद भूल चुके हैं, हमने आपसे कहा था ना कि रुखसार की सगी बहन हमारी भाभी, वो हमारी सगी भाभी है सर, तो हम हुए ना रिश्तेदार। सगे रिश्ते से हमारी मुराद खून के रिश्ते से है, जो आप नहीं हैं। आप हैं तो उनके लिए केवल नाम महरम है। सर ये बात सच है कि हम रुखसार की बहन के देवर हैं, और ये भी सच्चाई है कि हम रुखसार के नाम महरम है, और रुखसार की बहन जो उसकी महरम है वो परसों से पहले वापस नहीं आ सकती, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन सर सबसे बड़ा सच आज हम दोनों के सामने ये है कि एक मासूम की जान खतरे में। सर एक मासूम की जान जा सकती है और उसे बचाना हमारा काम है, किसी भी हाल में कुछ भी करके। सर ठीक है सर, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप ही हमें रास्ता बताइए। रास्ता हम नहीं, आप निकालेंगे। सर हम रास्ता कैसे निकाल सकते, आप ही ने कहा था कि हम तो नामहरम है, हम क्या करेंगे? आप नामहरम हैं, पर रुखसार के लिए महरम बन सकते हैं। नहीं माफ, हम समझे नहीं सर, हम रुखसार के लिए महरम बन जाए। हाँ रुखसार से निकाह कर लीजिए, उसे अपनी बीवी बना लीजिए। आप कह रहे हैं कि हम रुखसार से निकाह कर लें? आपने कहा था कि इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी सच्चाई सिर्फ यही है कि आप रुखसार की जान बचाना चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो उस जान को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। रुखसार के साथ निकाह, वो भी आज ही। रुखसार से निकाह कर लीजिए, उसे अपनी बीवी बना लीजिए, वो भी आज ही। जिंदगी में ना हम अपना फर्ज कभी नहीं भूले, हम तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना सोना सोना।
मिस कर रही थी हमें। बहुत ज्यादा, हर घड़ी हर पल बहुत याद किया तुम्हें। तुम जानते हो हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हम जानते हैं कि तुम वहां रुखसार को बचाने गए हो। वैसे हम भी दिन रात यहाँ उसकी रिहाई के लिए ना अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। सुनो ना, उसे बचाकर जल्दी वापस आ जाओ ना अपनी जारा के पास। हमारे प्यार की शिद्दत, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की चाहत, जिंदगी के हर पल को प्यार में डुबाने की ख्वाहिश है। तुम जानते हो कभी ये सब चीजें ना जारा और कबीर के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। तुम्हें सच में लगता है? सच में बोलो क्या ये सब मजबूत बनाएगी हमें? हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें पता है हम दोनों ना एक है, हमारी सोच एक है, आने वाली जिंदगी को खुशी से जीने का ख्वाब एक, रास्ता भी एक, मंजिल भी एक, मगर पता नहीं क्यों हमें डर लग रहा है। हमें डर लग रहा है कि ऐसा कुछ ना हो जिससे हम दोनों अलग हो जाए। कुछ नहीं होगा, वादा कर। वादा करते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत सारा कबीर को अलग नहीं कर सकती। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम जल्दी आओ जरा। जी अम्मी। आंखें खोलो बच्चे। अम्मी, भाभी, जरा डॉक्टर को फोन लगाओ बेटा। हेलो डॉक्टर, भाभी को पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बेहोश हो गई हैं। जी हमें आता है सीपीआर देना। जी हम कोशिश करते हैं, आप फोन पे ही रहिएगा। सर
जरा कोशिश करो बेटा, या अल्लाह या मेरे मौला। जीना भाभी, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर भाभी को होश आ गया। जी जी हम अभी आते हैं। इस मुसीबत के लिए हम वहां जाकर रुखसार को मुसीबत से निकालेंगे। पहले ही हमारी शादी की रस्में अधूरी रह गई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रस्में खत्म हो गई। हाँ, तो जब तुम रुखसार के साथ वापस लौटोगे ना, तभी रस्में पूरी करेंगे। पूरा यकीन है कभी तुम कुछ गलत नहीं होने दोगे और तुम रुखसार को बचा लोगे। बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो कि रुखसार को बचाने के रास्ते में अगर कोई भी रिश्ता या फिर कोई भी मुश्किल आई, तुम सब कुछ भूल भुला के, सब कुछ हमारी बहन को सही सलामत वहां से बचा के हमारे पास में आओगे। बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो। कुराने शरीफ पर हम अपना हाथ रखते हुए आपसे वादा करते हैं कि रुखसार को बचाने के रास्ते में ना हमारे बीच कोई आएगा और ना हम कुछ सोचेंगे। तुम पर पूरा भरोसा है कभी, तुम हमें यहां से ले जाओ कभी। अगले 24 घंटे इनकी जिंदगी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। आखिर सारा का फोन बंद क्यों आ रहा है? वो है कहां? एक काम करता हूं, रीमा से पता लगाता हूं। रीमा सुनो, हमारी बात सुनो, जारा कहाँ है? वो जीनत भाभी को थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, इसीलिए जारा उनको हॉस्पिटल में लेके गई है। ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, सब ठीक है। जैसे ही जारा से बात होगी, प्लीज उसे कहना कि हमें फोन करे। हाँ हाँ कबीर, हम वहीं पे ही जा रहे हैं और हम तुम्हें 5 मिनट में कॉल करते हैं। वैसे कबीर सब ठीक है ना? बस बाद में बात करते हैं। आपके पास वक्त बहुत कम है। रुखसार के केस को दोबारा खोलने के लिए कोर्ट में अर्जी लगानी होगी। रुखसार के साथ निकाह ही एक तरीका है जिससे आप उसे बचा सकते हैं।